ज्यादा गाड़ियां बिकती होगी। वैसे अगर देखा जाए तो अपनी भी सारी की सारी गाड़ियां बिक चुकी है, मतलब जितनी भी फरारी आई थी गाइस वो सारी की सारी सेल हो गई है। और वैसे भी सीधी सी बात है, जब तक बैनी अपने साथ है ना तब तक सारे बंदे हमसे ही गाड़ियां खरीदने वाले हैं, क्योंकि बैनी बहुत तगड़ी मॉडिफिकेशन करता है गाड़ी में। बाकी तो यार अभी फिलहाल यहाँ पर तीन ही रोल्स रॉयस बची है, तो चलो यार अभी फिलहाल लामार यहाँ पर खड़े होकर गाड़ी की डील कर रहा है, बट बैनी ओके, तो बैनी यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर पर है, तो चलो यार अभी जल्दी से ऊपर चलते हैं। और बाकी शायद से ना आज जिमी भी जो है शोरूम में नहीं आया हुआ, क्योंकि ज्यादा गाड़ियां बची हुई है, लामार अकेले हैंडल कर रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोग बैनी से बात करते हैं और इसको बोल देते हैं वो जो गाड़ियां उन्हें मॉडिफाई करने के लिए। तो चलो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बैनी से बात हो चुकी है। बाकी यार बैनी कह रहा है कि गाड़ियां बिक नहीं रही है, तीन चार गाड़ियां जो है ना गाइस अपने शोरूम से चोरी हो चुकी है, मतलब कि पहले भी एक दो गाड़ियां चोरी हुई थी, बट अभी ना फिलहाल तीन चार गाड़ियां जो है आज तो मेन जगह से चोरी हो गई है। पहले जो हमने बाहर खड़ी हुई करी हुई थी ना वहां से चोरी हुई थी, पता नहीं यार कौन है चोर जो कि यहां से गाड़ियां चुरा कर ले जा रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि मतलब जो लॉस सैंटोस है ना वहां पर खतरा है, क्योंकि वहां पर अलग अलग गैंग्स है, तो मुझे लग रहा था यहाँ पर अपना मामला ठीक रहेगा, यहाँ पर अपनी गाड़ी वाड़ी चोरी नहीं होगी, इसलिए ओपन में खड़ी कर दी थी। बट अभी फिलहाल वहां से भी गाड़ियां चोरी हो चुकी है, बट कोई नहीं यार अभी जल्दी से नीचे चलते हैं, अब देखते हैं यार क्या सीन है। बाकी मेरे हिसाब से ना ट्रेवर भी आ चुका है, क्योंकि ये जो गाड़ी का साउंड आप सुन पा रहे हो ना ये लैम्बोर्गिनी एसवीजे 63 है। बाकी यार देखो बैनी बेचारा कितना ज्यादा परेशान रहता है, कल के दिन हमने इसे सीधा लॉस सैंटोस बुला लिया लेस्टर को गाड़ी से बाहर निकालने के लिए, और आज बेचारी ये थोड़ी देर के लिए ऊपर सोडा पीने गया था, उसमें भी हम लोग आगे इसे डिस्टर्ब करने, और अभी इसको सीधा लगा दिया काम पे गाड़ी की मॉडिफिकेशन करने के लिए। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ थोड़े दिनों के लिए बैनी को जो है छुट्टी देंगे, ताकि यार ये भी अपना रेस्ट कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि ये गाड़ी की मॉडिफिकेशन करना ही बंद कर दे अगर इसको गुस्सा चढ़ जाए तो, बट ये ऐसा नहीं करेगा। लेकिन यार इसने ना थोड़ी सी धोखाधड़ी करी, इसने लॉस सैंटोस में जो अपना गैराज है उसको शोरूम बना रहा है भाई, मतलब। बट कोई नहीं, अभी ये फिलहाल अपने साथ ही काम करने वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी यार देखो ट्रेवर भी यहाँ पर आ चुका है, तो चलो यार अभी जल्दी से अपनी अपनी गाड़ियां जो है हम लोग यहाँ पर वॉश करवा लेते हैं रिपेयर। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर बैनी जो है कार की मॉडिफिकेशन करने में लग गया, और गाइस यार ये कह रहा है कि जो दोनों गाड़ियां ना बहुत ज्यादा तगड़ी है, इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मिलती, तो इसलिए ना इसको टोटल 3 दिन का टाइम चाहिए। इन 3 दिन के अंदर ये इन दोनों गाड़ियों को इतना ज्यादा मॉडिफाई कर देगा ना और इतनी तगड़ी बना देगा कि पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के बंदे देख के हैरान हो जाएंगे। बाकी यार ऐसा ये कह रहा है, और ये जो गाड़ियां ना ये मैं बेचने के लिए मॉडिफाई नहीं करवा रहा, अपना पर्सनल व्हीकल बनाने के लिए मॉडिफाई करवा रहा हूं। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग ऊपर चलते हैं। ड्राइवर तो काफी पहले ही ऊपर चला गया था पैसा लोड करवाने, जितना हमने शोरूम से कमाया। आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर जितनी भी बाइक थी मैं लेकर आया था वो सारी की सारी बिक चुकी है, तो मैंने बोला भैया शोरूम पूरा खाली हो गया है, जितना पैसा है सारा दो, अभी हम लोग सीधा जाने वाले हैं कुछ नई गाड़ियां खरीदने के लिए। पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि कहां से लेकर आनी चाहिए। लिस्ट टाइम तो हम लोग फरारी लेकर आए थे लास्ट टाइम, बट इस बार मैं सोच रहा हूं कि लैम्बोर्गिनी वगैरह लेकर हमें आ जानी चाहिए। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग यहां से बाहर निकलते हैं। और ये देखो भाई यहां पर इन लोगों ने सारा पैसा लोड करा दिया और यहां पर आराम से खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं। बाकी यार ये पैसा काफी ज्यादा है, एक बार लामार से पूछ लेता हूं टोटल कितना कैश है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर लामार से बात हो चुकी है, और गाइस यार ये कह रहा है कि गाड़ी में टोटल 100 मिलियन डॉलर कैश है, और साथ ही ना मैंने इससे पूछ भी लिया कि हमें कहां से गाड़ियां लेकर आनी चाहिए और कौन कौन सी लानी चाहिए। तो यार अभी फिलहाल लामार कह रहा है कि लैम्बोर्गिनी सबसे पहले ले आओ, क्योंकि फरारी बहुत ज्यादा बेच ली और बाइक्स भी जितनी जल्दी आई थी उतनी जल्दी बिक गई, तो हमें ना थोड़ी बहुत बाइक्स भी लेकर आनी है और लैम्बोर्गिनी वगैरह भी लेकर आएंगे। बट सबसे पहले ना काम करते हैं कुछ नई गाड़ियां लेकर आएंगे। बाकी लामार कह रहा है कि अगर लिबर्टी सिटी जाओगे तो गाड़ियां सस्ती पड़ जाएगी, तो चलो यार अभी ना जल्दी से पहले लॉस सैंटोस चलते हैं, ये जितना भी पैसा अपने घर पर रखेंगे उसके बाद सीधा निकलेंगे हम लोग लिबर्टी सिटी के लिए। और वैसे भी मेरे पास जो अपने बैंक में काफी ज्यादा पैसा है, तो मेरे को पैसा ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑनलाइन पेमेंट आराम से करके सारी की सारी गाड़ियां जो है बढ़िया बढ़िया वहां से खरीद के ले आऊंगा। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा वाइनवुड हिल्स पहुंच चुका हूं। बाकी यार अभी ना फिलहाल के लिए मैं लॉस सैंटोस नहीं जाने वाला, क्योंकि यार अभी ना मेरे को यहां पर लेस्टर का कॉल आया था बीच रास्ते में, और उसने मेरे को एक लोकेशन भेजी है, वो कह रहा है जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचो। तो अभी ना फिलहाल यहां से राइट कट लेने की बजाय यहां से मैं लेफ्ट कट लेने वाला हूं, क्योंकि वो जो जगह है जहां पर लेस्टर ने मेरे को मिलने के लिए बुलाया है वो यहां से बहुत ज्यादा पास है। तो चलो यार अभी जल्दी से चलते हैं, और लेस्टर कह रहा था बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचो और देखते हैं भाई अभी क्या सीन है। मेरे को जहां तक लग रहा है कुछ गलत ही सीन होगा, क्योंकि जब भी लेस्टर इस तरीके से बुलाता है तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। ओ ओ ओ ओ आराम से आराम से आराम से भाई, यहाँ के जो रोड है ना सच्ची में बहुत ज्यादा पतले हैं, और अगर तेज स्पीड में चलाना तो छोटी मोटी गड़बड़ हुई। अबे भाई साहब किसने ब्रेक किसने मारी दरा तेरी ऐसी दसे, एक तो ब्रेक मार दी ऊपर से अंदर गाड़ी में बैठ के गाली बक रहा है, इधर इसको बाहर निकाल के जो भी कूटूंगा ना बाहर, जल्दी जल्दी बाहर, और भागने की ना कोई भी जरूरत नहीं, रुक जा आराम से, गाली कैसे बक रहा था।
तो यहाँ पर ओ लड़ने का भी मन है भाई साहब का, यहाँ पर एक तो गाली बक रहा है ऊपर से लड़ना भी चाह रहा है। ओ, 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 अब पड़ेगी मुंह पे वापस। नहीं नहीं लात नहीं, लात नहीं, इसके मुक्का तो मुंह पे ही पड़ना है। और बाकी देखो एक मुक्के में इसका मुंह ना पूरा का पूरा टेढ़ा हो गया है। तो चलो भाई बेमतलब में अच्छी खासी गाड़ी में सीधे निकाल लेता, बट उसने पूरी गाड़ी की वहीं पर ब्रेक मार के मोड़ दी। अब फिलहाल पड़ गए बेचारे के चाटे बेमतलब। और ये भी मेरे को लग रहा है इसको टाइम मांग रहा है, देख रहे हो उसे कितनी जल्दी हो रही है। इतना पतला सा रोड है, आराम आराम से चल लो।